وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فلا تقل لهما أف فلا أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرَّحْمِ وقل رب ارحمهما وَقُ كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه وتعالى فرماته هي کہ تم اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے يعني تھوڑی سی بھی और बदखलाकी नहीं कर सकते बहुत ज्यादा करने का तो तस्वुर ही नहीं है यानी आप ये बात यूं कह सकते हैं कि नागवारी हकारत और नफरत का अदना सा शायबा भी अपने पेरेंट्स पर जाहिर नहीं कर सकते अपने मामले में अपने रवैये में थोड़ा सा भी बुरा रवैया नहीं आना चाहिए बड़ी बात कहना तो बहुत दूर की बात है अब आप देखिए जहां उफ की इजाजत नहीं तो डांट की इजाजत कहां से होगी पेरेंट्स के सामने आपकी जिस्मानी साख्त में भी आजिजी हो यानी उनके सामने बहुत ही और इंकसारी का इजहार करो अल्लाह ने कायनात में अफजल और अशरफ मखलूक इंसान को बनाया है वालदे दर हकीकत इंसान के दुनिया में आने का जरिया होते हैं हमारा वजूद वालदेन की वजह से होता है इसलिए अल्लाह ताला ने भी वालदे के साथ हुसन सलूक का हुक्म दिया है और इनके हुकूक की अदायगी की तलकिन की है तो अब हमारे वालदेन के साथ हमारा सलूक ऐसा होना चाहिए जैसे गुलाम का अपने आका से होता है क्योंकि माँ बाप ही वो ज़ाहरी सबब हैं जिससे इंसान परवरिश हासिल करता है वालेन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुना है हमें वैन की अतात और फर्माबरदारी में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए माँ बाप कुदरत की अजीम नियमत है वो हमें पैदाइश से लेकर हमारी तालीम तरबियत और माशरे में जिंदा रहने के काबिल बनाने तक अहम किरदार अदा करते हैं हमें गाइड करते हैं प्रॉब्लम से बचाते हैं अपनी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर देते हैं लेकिन अफसोस जब औलात बड़ी हो जाती है तो वालदेन को अकेला छोड़ देती है हालांकि बूढ़े मां बाप को उस वक्त औलाद की ज्यादा जरूरत होती है जब वाले बूढ़े हों और कमा भी ना सकते हों और उनकी औलाद जवान और कमाने वाली हो तो औलाद वालदेन को माली तौर पर भी सपोर्ट करे उनके तमाम एक्सपेंसेस को उठाए देखिए वालदेन तो अपने बच्चों से मोहब्बत उसी तरह करते रहते हैं लेकिन औलाद की मोहब्बत जब वो जवान हो जाती है जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं तो उनकी मोहब्बत अपनी खुद की औलाद की तरफ डाइवर्ट हो जाती है मुंतकिल हो जाती है और वालदेन से तवज्जो हट जाती है तो बूढ़े वालदेन को औलाद की ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है फिर ये कि वो बुढ़ापे में चिड़चिड़े भी हो जाते हैं तो औलाद को बर्दाश्त करना चाहिए ठीक है जी तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये बात तो तयशुदा है कि उस वक्त उनका टेक केयर मुश्किल होता है मुजाहिद रही फरमाते हैं कि माँ बाप बुढ़ापे तक पहुंच जाएं तो इनसे घिन ना खाओ घिन कैसे खाते हैं बच्चे आप देखें जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और अगर वो बीमार हैं बिस्तर पर हैं और औलाद को उनकी सफाई करनी पड़ती है या वो तबीयत की नासाजी की वजह से वामिट कर देते हैं या खाना गिरा देते हैं तो बच्चे उनसे घिन खाते हैं औलाद उस काम को करने से कतराती है और किसी ना किसी को इस काम पर रख लेती है और खुद से खिदमत नहीं करती है हालांकि मां बाप अपने जाति कामों के लिए जितने अपनी औलाद के साथ कंफर्टेबल होते हैं वो किसी अजनबी के साथ नहीं होते और आप खुद से जब अपने पेरेंट्स की खिदमत करते हैं वैसी मोहब्बत और शफकत कोई और ला ही नहीं सकता तो मुजाहिद क्या कहते हैं कि मां बाप बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो इनसे घिन ना खाओ हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सारे काम हमारे वाले देन ने हमारे लिए किए हैं और अगर हमें अपने वाले की खिदमत नसीब हो जाए तो इससे बड़ी क्या शायदतमंदी है कितनी मिसालें हैं हमारे माशरे में कि मां बाप को औलाद ने घर से निकाल दिया और ओल्ड होम्स में छोड़ाए और अक्सर बच्चे अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करते हैं उनकी नाफरमानी करना अपना वतीरा बना लेते हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि वो खुद भी कभी ना कभी माँ बाप बनेंगे तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होगा कितने ऐसे बच्चे हैं उनके पास वालदेन के लिए टाइम ही नहीं है वो दुनियावी कामों में इतने बिजी हैं कि पेरेंट्स के पास दो घड़ी बैठना उनके लिए दुशवार हो जाता है वालदेन बोझ लगने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आज हमारी सोसाइटी में अदब और अखलाक तो जैसे खत्म ही होता जा रहा है हालांकि अदब और अखलाक किसी भी सोसाइटी में बुनियादी हैसियत रखते हैं मैं अपने वालिद के साथ जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने देखा कि बराबर वाले बेड पर एक बूढ़ा शख्स था सिर्फ वहां का स्टाफ उस बूढ़े शख्स के लिए काम कर रहा था उनके पास कोई नहीं आया उनकी फैमिली में से और जब मैं उनको देखती वो दर्द पूरे मेरे जिसम में सराहियत कर जाता था और मैं बहुत डर गई थी उस वक्त मैंने अल्लाह तला से दुआ की थी कि अल्लाह ऐसा बेबस तो किसी को नहीं करना माँ बाप कितनी मुशक्कत से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं जब औलाद की उनको जरूरत होती है तो औलाद मुंह फेर लेती है और सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि उस शख्स की औलाद थी लेकिन कभी वहां खिदमत के लिए नहीं आई ख्याल रखने के लिए नहीं आई तो अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करे हम सबको ये बात याद रखनी है कि वालदे के साथ उसने सलूक करना अल्लाह का कतई हुक्म है अल्लाह तला ने वह तौर पर बता दिया कि वालदेन की नाफरमानी करना तो दूर की बात है नाराजगी का अदना सा इजहार भी मना किया गया है और इनको झड़कने से भी मना किया गया है और उनके साथ एक्स्ट्रा सॉफ्ट होने की जरूरत है और पूरी जिंदगी वालेन के लिए दुआ करने का हुक्म है और याद रखें हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे आज अगर हम अपने वालदेन के साथ उसने सलूक करेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारे साथ अच्छी रहेगी इनशाला